हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आपकी शीशम स्कूल कक्षा छठी की अध्यापिका। आज हम आरम हिंदी पाठमाला में करेंगे पाठ नंबर 6। पाठ नंबर 6 है हमारा सूर के पद, मतलब सूरदास जी के पद। सूरदास जी हमारे बहुत अच्छे कवि थे, जिन्होंने बहुत बड़े ग्रंथों की रचना की थी। तो सबसे पहले हैं केहन लागे मोहन मैया मैया, नंद महर सो बाबा बाबा, अरु हलदर सो भैया। इसमें कान्हा जी कृष्ण जी कहते हैं अपनी मैया से, मैया मैया नंद महर सो बाबा बाबा, नंद बाबा जैसे मेरे बहुत बड़े उपाधि वाले बाबा हैं। जो उनके जो नंद बाबा थे वो अपने पूरे गांव के मुखिया थे। तो नंद बाबा मेरे बाबा हैं, अरु हलदर सो भैया, और हलदर हलदर मतलब बलराम, बलराम जैसे मेरा भाई है। ऊंचे चढ़ी चढ़ कहती जशोदा, ले ले नाम कन्हैया। ऊंची अटारियों पे चढ़ते चढ़ते जशोदा मैया मेरा नाम ले लेकर कन्हैया कन्हैया पुकारती है। दूरी खेलन नहीं जाऊं लल्ला रे, मारेगी काहू की गैया। वह कहती हैं लल्ला दूर खेलने मत जाना, नहीं तो किसी की गायें मारेगी। गोपी ग्वाल करत कोतूहल, घर घर बजती बधैया। गोपी और ग्वाल घर घर तालियां बजाते हैं, चिल्लाते हैं, और घर घर में बधाइयां बज रही हैं। दूरदास सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, सूरदास प्रभु जी तुम्हारे दर्शन के लिए चरणन की बलि जाऊं, और तुम्हारे चरणों पर बलिहारी जा रहे जाते हैं। नेक्स्ट है मैया हो ना ही गाय चरावन जे हो, तू काहे की मेहर नंद बाबा सो बड़ो भैया ना डरियो। मैया कहती है कि तू गाय चरावने के लिए, कान्हा जी अपनी माँ को बोलते हैं कि मैया तू मुझे गाय चराने के लिए क्यों नहीं जाने देती है। तू तो कहती है कि नंद बाबा जैसे मेरे बड़े मेरे बाबा हैं, और बड़ा भैया बलहलदर जैसा मेरा बड़ा भाई है, जो किसी से नहीं डरते हैं। रेता पेता मना मन सखा, हलदर संग ही रे हो। रेता पेता मना मन सुखा, ये सब उनके मित्रों के नाम थे। हलदर और बलराम भैया हमेशा मेरे संग ही तो रहते हैं। बंसी बट तर ग्वालिन के संग, बरगद के पेड़ के नीचे ग्वालों के संग खेलत अति सुख पे हो। और मैं खेलता हूँ और अति सुख का अनुभव करता हूँ। ओदन भोजन दे दधी कांवरी, भूख लगे ते खियो। जो तुम मुझे भोजन और दही मक्खन देती हो, जब भूख लगती है तो हम उसको मिलकर खाते हैं। सूरदास है साखी जमुन जल, सोहूँ देहूँ जो नहेंगो। सूरदास जी कहते हैं जो जमुना जी का जल है उसको पीकर वो अपनी प्यास बुझाते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। इसमें कान्हा जी कहते हैं कृष्ण जी मैया मैंने माखन नहीं खाया, मैं तो सुबह भोर होते ही गैया चराने के लिए मधुबन में चला जाता हूँ। चार पहर बंसी वन भटक्यो, सांझ परे घर आया। मैं चारों पहर सुबह शाम दोपहर, मैं तो सारे दिन घूमता फिरता रहता हूँ, और जब शाम होती है तब मैं घर पर वापस आता हूँ। मैं बालक बहन को छोटो, छीकों के ही विधि पायो। मैं तो आपका छोटा सा बालक हूँ, और मैं इतने बड़े छीकों को किस प्रकार पकड़ूँगा। पहले दूध दही रखने के लिए छीके बनाए जाते थे, छत पे एक मतलब रस्सी का वो गोल गोल सा बना के उसको टांग देते थे, और उसके अंदर दूध दही मक्खन रखते थे ताकि कोई उसको पकड़ ना सके, या फिर कोई बच्चा ना गिरा सके, या बिल्ली वगैरह कोई उसको पकड़ ना सके। तो उसे ऊपर छत में टांग देते थे, उसको बोलते थे छींका। ग्वाल बाल सब वैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। सारे जो मेरे बाल सखा हैं सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं, और मुँह लटका कर खड़े रहते हैं। तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति यायो। माता तू तो मेरी बहुत भोली भाली सी है, तू इनके कहने पर क्यों विश्वास करती है।
जिए तेरे कछु भेद उपजही, जाने पारायो जायो। क्या मैं तेरे हृदय का टुकड़ा नहीं हूँ? क्या तूने मुझे पैदा नहीं किया है? ये सब लोग बोलते हैं कि तू तो पराया है। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। ये माँ तू अपनी कमर लकुटी, लकुटी मतलब जो वो कमर में बांधते थे ना, उसको बोलते थे लकुटी कमरिया। ये अपनी लकुटी लो और ये अपनी बंसी लो, ये लोग मुझे बहुत नाच नचाते हैं। सूरदास तब विहीन यशोदा ले उरकंठ लगायो। सूरदास जी कहते हैं जब यशोदा मैया उनको अपने हृदय से लगा लेती हैं और बहुत प्यार करती हैं। तो ये आपका लेसन 6 था, आप इसकी रीडिंग करिए और इसको समझिए। धन्यवाद।